evening snacks, for your dinners. Or so let's start this yummy recipe. इसके लिए हमें चाहिए है चिकन की ब्रेस्ट पीस. आपको जितने पोलो चिकन बनाने हैं आप उतने ही ब्रेस्ट पीस इसके लिए ले सकते हो. और इसको हम ब्रेस्ट पीस को अब सेंटर से इस तरह से कट करेंगे कि हम इसको जो है ओपन कर लें. अब क्लिंग रैप ऊपर रख के तो इसको मैं हैमर से फ्लैटन करूँगी, इसको थिन करूँगी और इसको स्प्रेड आउट करूँगी ताकि ये इजी से आगे मैं इसे रोल कर सकूँ. मैंने चार ब्रेस्ट के पीस लिए थे और उनको चारों को मैंने अच्छे से फ्लैटन कर लिया और उनको बहुत अच्छे से थिन कर लिया है. और ये अब इतना अच्छे से देखिए आप स्प्रेड आउट हो गया और थिन हो गया है. ये इतना बारीक किया है कि इसको जो है आपको रोल आउट करना आसान हो जाएगा. और अब इसकी सीजनिंग होगी. इसके ऊपर जाए इसमें जाएगा 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon सॉल्ट और 1/4 teaspoon गार्लिक पाउडर. नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इसमें बहुत लाइट सी सीजनिंग होती है. इसको बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं होते और ये बहुत एक लाइट सा फ्लेवर देता है. इन सारे ब्रेस्ट पीस को मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है. इसको मैं कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी. नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो इसकी फिलिंग है जो प्रिपेयर करेंगे हम. और इसके लिए हमें चाहिए 1 tablespoon बटर और 1 cup ब्लांच की हुई पालक. इस पालक को हम इसमें 3 से 4 मिनट इस बटर के अंदर फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए. और इसको फिर ठंडा होने देंगे. पालक फ्राई हो गई, उसको हमने ठंडा कर लिया. अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे रिकॉटा चीज़. रिकॉटा चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. बट रिकॉटा जो है इसको बहुत मज़े का एक फ्लेवर देती है. और इसके अंदर हम 2 से 3 tablespoon जो है वो रिकॉटा चीज़ के ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसके अंदर जाएगी चीज़ जो कि मैंने ली है मोज़रेला और चेडर, दोनों 1/4 cup हैं. और अगर आप रिकॉटा नहीं डाल रहे तो आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए मोज़रेला की और चेडर की. अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट जो कि है 1/4 teaspoon भर के. और इसके अंदर आप जो है प्लीज़ नमक अपना चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स. और इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च. और यही इसकी बस बेसिक सी सीजनिंग है. इसके अलावा इसमें सिर्फ एक काली मिर्च जाएगी जो कि है 1/2 teaspoon. और इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बहुत स्पाइसी नहीं होती, इसकी लाइट सी सीजनिंग होती है. तो आप इसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं. ब्रेस्ट पीस जिसको हमने फ्लैटन करके मैरिनेशन करके लिए रखा था, अब उस ब्रेस्ट पीस को हमने लेना है और उसको एक क्लिंग रैप के ऊपर रखना है. और उसके अंदर हम इस तरह से अपनी बनाई हुई फिलिंग सेंटर में इस तरीके से रखेंगे. और उसको इस तरह से रखने के बाद हम आप मेरे जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उस स्टेप्स को फॉलो करें. फिलिंग करने के बाद अच्छे से इसको रैप करके इस तरीके से रोल आउट करके ताकि ये अच्छे से इसके अंदर लॉक हो जाए, इसको आप इसको टाई कर दो. पोलो चिकन जो है वो सारे अब रेडी हो गए हैं. अब हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में बिफोर डूइंग द कोटिंग. और इसको फिर हम निकालेंगे 1 घंटे बाद और इसकी कोटिंग करेंगे.
अब इसको कोट करने के लिए हमें चाहिए अंडा और मैदा, और हम इसमें पहले हम इसको अंडे में रोल करेंगे और फिर हम इसे मैदे में रोल करेंगे, और ये स्टेप हम दो दफ़ा करेंगे, यानी कि दो दफ़ा अंडे में रोल करके और दो दफ़ा मैदे में रोल करके इसकी कोटिंग कर लेंगे। फॉर द फाइनल कोट हम इसको दोबारा से अंडे में डिप करेंगे, और अब मैंने इसको पांको में कोटिंग की है, ये पांको है, और आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस, इट विल गिव द सेम टेस्ट। अब इसको हमने अच्छे से सारे पोलो चिकन जो है हमने बनाए हैं उसको कोटिंग करके पांको से और रेडी कर लिया है, एंड इट्स रेडी टू फ्राई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए है 3 टेबलस्पून केचप, 3 टेबलस्पून मायो, 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून क्रीम के, इन सबको मिक्स करके हम एक बॉटल में इस तरह से डाल दिया है और इसको हम सर्विंग में यूज़ करेंगे। पोलो चिकन फ्राई करने के बाद इसको इस तरीके से कट करके मैंने अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें रख लिया, और इस जो सॉस बनाई थी वो ऊपर से इस तरह से ड्रिजल कर दें, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डू ट्राई दिस रेसिपी और डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज स्टाइल चिकन ड्रमस्टिक्स, और बहुत ही आसान और बहुत ही यमी रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए है चिकन विंग्स, अंडे, प्याज, हरी मिर्चें, नमक और काली मिर्च। बहुत बेसिक सी इसकी सीजनिंग है। सबसे पहले हम अपनी विंग्स को रेडी करेंगे। इसकी जो अपर बोन है उधर से हम मीट को कट करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स डाउन साइड, और इसके बाद हम दोनों साइडों से इस तरीके से इसको कट कर लेंगे तो मीट जो है वो बोन से अलग हो जाएगा। ब्रिंग ऑल द मीट टू डाउन साइड, और इसके बाद आप इसको फ्लैटन करोगे हैमर से, या फिर जिस तरीके से मैं छुरी से कर रही हूँ इस तरीके से आप इसको फ्लैटन कर लोगे लाइट सा, और मेक श्योर कि जो बोन से आपका जो मीट है वो अलग नहीं होना चाहिए। इस तरह मैंने सारी विंग्स को रेडी कर लिया है, और यू कैन सी कि वो बोन से अलग नहीं है, सो इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम करेंगे अपनी विंग्स की मैरिनेशन। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं जैसे जैसे डालती जाऊंगी मैं उसकी क्वांटिटी आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने विंग्स ली हैं, वो है 35 विंग्स है मीडियम साइज़ की, और इसके अंदर अब जाएगा 300 ग्राम जूलियन कट चिकन। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ की प्याज और 20 से 25 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया वो हमने इसमें ऐड कर दी है, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, और एंड पे आप इसको टेस्ट कर लें बिफोर फ्राइंग। और इसके अंदर नमक जाएगा, और उसके बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस हमने सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। इसमें मैंने 7 अंडे जो हैं वो डाले हैं, और आप इसको अंडों को डालने के बाद भी अच्छे से इसको मिक्स करें। अंडे ऐड करने के बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने 500 ग्राम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसमें अभी बाइंडिंग के लिए 1 अंडे की और ज़रूरत है तो आप 1 अंडा और ऐड कर सकते हैं, और अगर लगे कि कॉर्नफ्लावर की और ज़रूरत है तो वो भी आप थोड़ा सा आप उसमें ऐड करके इसको एडजस्ट कर लें। अब मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है, और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए।
एक से दो घंटे मैंने फ्रिज में रखा, उसके बाद इस तरह से शेप दे दी। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसको फ्राई करेंगे ऑयल में डाल के, और इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे तेज़ आंच में डाल के, ताकि जो इसका शेप है वो होल्ड कर जाए। और इसको आपने ना ज़्यादा कलर देना है ना इसको फुली कुक करना है, और इसको ठंडा करके आप इसके फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैंने अपने बनाने के लिए इस तरह से फ्राई किया, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई रेसिपी। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। इफ़ यू लाइक द रेसिपी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स किचन। में बन रहा है आज मटन हलीम, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए है आधा किलो गंदम, 1.5 कप चने की दाल, और 1/4 कप जो है इसमें जाएगी मसूर की दाल, जो लाल वाली दाल होती है वो वाली, और फिर इसमें जाएगी मूंग की दाल जो कि है 1/4 कप पीली वाली दाल, और 1/4 कप ही इसमें जाएगा माश की दाल वाइट वाली दाल, और इसके अंदर जाएंगे 1/4 कप ही राई। गंदम और दालों को मैंने अलग अलग भिगो दिया था, गंदम अलग और दालें अलग फॉर ओवरनाइट, और सुबह उठ के फिर मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। गंदम मैंने अलग पॉट में डाल दिया, और जो दालें हैं वो मैंने अलग पॉट में डाल के इनको बॉयल होने के रख दिया। इट विल सेव योर टाइम। अब गंदम को कुक होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और जो दालें हैं उनको कुक होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल डन है। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। यहाँ गंदम और दालों को मैंने मिक्स कर दिया है और उसको दोबारा से कुक होने के लिए रख दिया है। अब हम इस पॉइंट पे इसकी करेंगे सीजनिंग। इसमें हम ऐड करेंगे नमक जो कि है 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर जाएगा हलीम मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप हलीम मसाला मिक्स ले लीजिए, वो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है। हाफ पैकेट के अराउंड आप इसमें डाल दोगे, और हाफ आप बाद में मटन जो कोरमा बनाओगे आप उसके अंदर डालोगे। और इसको आप मिक्स करके इसको दोबारा कुक होने के लिए रख दें, और इसको साथ साथ चम्मच और घोटने से घोटते रहें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आप एक पॉट में ऑयल लोगे 1 कप, और उसमें हम ऐड करेंगे मटन। अगर आप विद बोन्स ले रहे हो तो आप लोगे 1.5 किलो, और अगर आप बोनलेस लेना है तो आपने 1 किलो मटन लेना है। मैंने विद बोन ऐड किया और मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, और इसको अब हम कुक करेंगे अंटिल इट चेंज द कलर, और इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अब मटन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और जो पानी है इसका ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 2 टेबल स्पून के अराउंड, और इसको फिर आप अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई करेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक जो कि है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने दालों में भी डाला है, और हलीम मिक्स के अंदर भी जो हलीम का जो आपका मसाला होता है उसके अंदर भी नमक होता है, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप नमक जो है शुरू में कम रखें, बाद में आप इसको एंड पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा भर के। अब इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसको अच्छे से कुक करेंगे। इन सारे मसालों को डाल के 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जो बाकी बचा हुआ हनी मसाला है वो, और इसके अंदर अब जाएंगी हरी मिर्चें 2 से 3 टेबलस्पून चॉप्ड, और इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से गिव इट अ गुड मिक्स, और इसे अच्छे से फ्राई करें। इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो कि है फ्राई हुई हुई ब्राउन प्याज 1 कप भर के, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह की ब्राउन प्याज परफेक्टली फ्राई करें तो उसके लिए यू हैव टू वॉच माई वीडियो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इस प्याज को डालने के बाद आप इसको अच्छे से भुनाई करके और इसको इसमें पानी डाल के आप इसको गलने के लिए रखोगे। आपने इसको आप चाहो तो प्रेशर लगा सकते हो, आपने इसको इतना गलाना है कि आप इसका अच्छे से रेशा बन जाए। मटन गलने के बाद उसकी बोन से उसको अलग कर लिया और उसका रेशा कर लिया, और जो अब हम इसके अंदर जो हमारा दालें और गंदम का जो मिक्सचर था जो कुक हुआ था अब हम इसको उसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद आप इसको एक घोटने की मदद से, इस तरह का एक घोटना होता है उसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको साथ साथ घोटें। अब जो है इसका मेन और की पार्ट जो है वो यही है कि आपने इसकी अब घुटाई करनी है, और इसको आप ऑफ एंड ऑन आप इसको घोटेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और जो इसका कोरमा था वो भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब आप, दिस इज़ द मेन पार्ट, अब आप इसको कुक करें फॉर लाइक हल्की आंच पे, और इसको आप अच्छे से घोटते रहें। मैंने इसको 2 से 3 घंटे इसको कुक किया, और ऑफ एंड ऑन मैंने इसकी घुटाई की।
अब 1 घंटा हो गया है इसको कुक होते हुए और मैं इसको साथ ही ऑफ एंड ऑन घुटाई कर रही हूँ, तो इसकी ये कंडीशन है। अब इसको 2 से 3 घंटे हो गए हैं कुक होते हुए, इसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला। अगर आपको होममेड गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये जो है हलीम, इसमें रेशे देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुका है। मुझे थोड़ा ग्रेनी पसंद है, तो फॉर माई साइड इट्स डन। मैंने अपने सर्विंग डिश के ऊपर के लिए ही सिर्फ तड़का तैयार किया है। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1/2 कप देसी घी, 4 से 5 बटन वाली लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च, और इसको मैंने इसके अंदर जो है अपने पैन के अंदर उसमें तड़के को लगा दी। हलीम को मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया और उसको गार्निश किया है हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स किचन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस किचन में बन रही है चिकन रोस्ट बिरयानी। इट्स अ वेरी यमी एंड डिफरेंट रेसिपी, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है इसके चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, धो के उसको ड्राई कर लिया अच्छे से और इसके ऊपर लगा लिए कट्स, और साथ ही मैंने इस पर डाला है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून दही, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे फॉर ओवर नाइट। 1/2 कप ऑयल में 300 ग्राम प्याज स्लाइस में कटी हुई डाल के इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई और साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, और कुक करने के बाद फॉर 1 to 2 मिनट हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसको फिर दोबारा अच्छे से कुक करिए और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दें। जब ये गल जाएगा तो हम इसकी भुनाई की तरफ आएंगे, और भुनाई करेंगे इसको अच्छे से भूने इसके मसाले को। और जब ये भुनाई के दौरान हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो अब इस पर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डाल के इसको 1 to 2 मिनट आप कुक करें। 1 से 2 मिनट इसको कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून चॉप्ड हरी मिर्च। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स। अगर आपको स्पाइसी पसंद है ज़्यादा कर लें, अगर नहीं तो आप इसकी क्वान्टिटी कम कर लें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, और ये जो आपका बिरयानी का मसाला है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन रोस्ट की जो मैंने मैरिनेशन की थी उसको मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लगा के उसको अवन की जो मेरी ट्रे है उसमें रख के इसको मैंने अपने अवन में रोस्ट कर लिया। आप इसको तवे पे या अपने पैन पे भी कुक कर सकते हैं। चिकन रोस्ट हो गया, अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। राइस मैंने बॉईल कर लिए थे, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल डाल के इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। और इसके बाद मैंने इसके नीचे एक लेयर चावलों की लगाई, इसके ऊपर मैं मसाले की लेयर लगाऊंगी। मसाले की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन रोस्ट की लेयर। हमने चिकन को मसाले में ऐड नहीं करना, इन दोनों की जो हमने लेयरिंग करनी है वो सेपरेटली करनी है। एंड मेक श्योर कि जो चिकन है वो ओवर कुक ना हो, ये ड्राई हो जाएगा, और सारी जो चिकन की है वो लेयरिंग कर लें। मसाले और चिकन की लेयरिंग के बाद हम इसके ऊपर दोबारा अपने चावलों की लेयर लगाएंगे। लेयरिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे येलो कलर। 1/2 कप हम इसमें घी ऐड करेंगे ऊपर टॉप पे।
आधा कप हमने ऑयल यूज़ किया अपने मसाले में और आधा कप हम घी ऊपर टॉप पे डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के करीब चावल का पानी। हमने वही पानी यूज़ किया है जिसमें हमने चावल को बॉईल किया था। दम लगाने के लिए हम इसको 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको हल्का कर देंगे दम वाली आंच पे और इसको 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूंगी और इसको 10 मिनट का स्टे दूंगी, तब तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगी। 10 मिनट के बाद मैं जो है वो बिरयानी को खोल रही हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक एंड इफ यू लाइक द रेसिपी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वेलकम टू मॉम्स किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस किचन में बन रहा है मटन रोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए हैं मटन शैंक्स जो कि हैं 3 kg। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक जो कि है 2 tablespoons। आप नमक की क्वान्टिटी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 tablespoon गर्म मसाला और 1 tablespoon जाएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon। 3 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 tablespoon लेमन जूस। 1 cup भर के दही और 2 tablespoon इसमें जाएगा हॉट चिली सॉस के। 4 tablespoon फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें। 1/2 cup ऑयल और 4 tablespoon पपीता डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, मेक इट अ फाइन पेस्ट। अब आपका जो मटन है मेक श्योर कि उसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हुआ हुआ हो बिफोर मैरिनेशन। इसको आप अच्छे से प्रिक कर लें सा छुरी से और इस तरह से कट लगा लें। वो जो पेस्ट मैंने बनाया था स्पाइसेस का उस सारे को मैंने मटन शैंक्स के ऊपर अच्छे से लगा लिया है और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे फॉर ओवरनाइट। एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें। ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद मैं इसको किया है फ्राई और मैंने इसको कलर दे दिया है दोनों साइड से ताकि इस पर अच्छा सा एक कलर आ जाए ताकि हम इसको बाद में फिर रोस्ट होने के लिए रखें। मटन शैंक्स को मैंने देखचे में लगा दिया, ऊपर से जो मैरिनेशन बची थी वो भी मैंने इस पर डाल दी योगर्ट की और स्पाइसेस की। और 1 cup पानी ऐड करके मैंने इसको कवर करके इसके ऊपर वेट रख के इसको 1 से 1.5 घंटा कुक करना है मीडियम लो हीट पर। और 1 घंटे के बाद आप इसको चेक कर लें, अगर तो उसमें कोई आपको लगे कि कुक नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दें। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।